हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रेसिपी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ, मटर पनीर। है ना बड़े मज़ेदार। मटर पनीर बनाने के लिए चलिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 400 ग्राम पनीर, 1 बॉल ग्रीन पीस, 1 बिग साइज ग्रेटेड ऑनियन, ये ग्रेट किया हुआ है, और काजू, टोमेटो एंड मगज पेस्ट। अब कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब ऑयल को थोड़ा हीट होने देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून शाही जीरा, गरम मसाला, इसमें है सिनेमन, इलायची और लौंग, ग्रेटेड ऑनियन। अब इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए गोल्डन कलर हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून। अब इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। देखिए बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको जब आप मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम थोड़ा सिम कर दीजिए ताकि मसाले ना जले। अब इसमें जीरा पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मसाले थोड़ा सा भुन जाए, थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाले ना जले। बहुत अच्छे से भुन चुकी है मसाले। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, ये देखिए पेस्ट है जो मैं बताई थी पहले भी, काजू, मगज एंड टोमेटो। इसको अच्छे से हमने बॉईल किया है और इसको ग्राइंडर में पेस्ट करके अब ये मसाले में 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अब ये मसाले को अच्छे से फ्राई करूँगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो पेस्ट है आप 4 से 5 काजू ले लीजिए, और 1 टेबल स्पून मगज और 1 बड़ी टोमेटो, इसको अच्छे से आप बॉईल कर लीजिए, फिर उसके बाद ग्राइंड करके पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, देखिए हमारी वो मसाले अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें मैं मटर ऐड कर चुकी हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, फ्लेवर भी बहुत अच्छी सी आ रही है। थोड़ा सा कवर करके आप 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेते हैं। चलिए 2 मिनट हो चुकी हैं, देखिए बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, ऑयल भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है चारों तरफ। मिक्स करके अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। अब पनीर ऐड करूँगी, ये 400 ग्राम पनीर है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। सारे पनीर वगैरह मिक्स करके मैंने कवर कर दिया है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट्स हो चुकी हैं, देखिए बहुत अच्छे से पूरा मसाले बॉईल हो चुकी है, कुक भी बहुत अच्छे से हुई है। चलिए मिक्स करती हूँ, अभी देखती हूँ क्या है प्रोसीजर। अब फ्रेंड्स ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसको थोड़ा सा हम कोरिएंडर चॉप ऐड करूँगी। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं,
चलिए हमारी मटर पनीर रेडी हो चुकी है, अभी हम सर्व कर लेंगे इसको। वी आर रेडी टू सर्व नाउ। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, ये ज़्यादा मेहनत नहीं लगी आपको बनाने के लिए, बड़ी आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने फ्रेश क्रीम से इनको थोड़ा सा गार्निश कर लिया है। देखिए, ये आप रोटी चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।